हमें गंदम कराची शहर के लिए आने पे पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत सिंध की तरफ से। ईद के दिन है, मामला खराब हो जाएगा, आटा नहीं मिलेगा किसी को, आटा 200 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा किसी को। बदकिस्मती है सिंध की, बदकिस्मती है कराची की, 5 लाख टन गंदम कराची शहर में पड़ी है, हमें इशू नहीं की जा रही, क्यों? एक बोरी का 500 रुपया, 400 बोरी की गाड़ी होती है, 2-2 लाख रुपए चेक पोस्ट पे ले लेती है। रात 8 बजे का टाइम दे रहा हूँ, 13 तारीख का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे मोजेस मीडिया और प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए, आपकी मेहरबानी नवाजिश। देखिए, हम फ्लावर मिल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे जो मसले मसाइल हैं वो जब हल होने पर नहीं आते तो हम आप लोगों का जो है साथ हमें चाहिए होता है और हमेशा हमारे मुतालबात जो हैं आप लोगों की वजह से माने गए, जायज़ मुतालबात जो होते हैं कराची शहर के लिए, और इसको हम अप्रीशिएट करते हैं, उनका शुक्रिया भी करते हैं। आजकल सूरत हाल ये है कि कराची सिंध धरती का शहर और पाकिस्तान का फेस है, पूरे पाकिस्तान का फेस है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर आबाद हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और पूरे मुल्क को चलाता है ये कराची शहर, और हम आज बेयारो मददगार हैं फ्लावर मिल्स वाले। इस कराची शहर के अंदर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें गंदम कराची शहर के लिए आने पे पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत सिंध की तरफ से। हमारा काम है सस्ती गंदम, अच्छे गंदम ले के आटा प्रोवाइड करना और कराची वालों को आटा प्रोवाइड करना, उनकी खिदमत करना मुनासिब रेट पे, मुनासिब रेट पे। पूरी सिंध की फ्लोर मिलें आज बहुत ही बड़े मसले में आई हुई हैं। इंटीरियर की मिलें भी जो हैं इसी चक्कर में बंद पड़ी हुई हैं कराची की तरह। हमारी गंदम की फसल मार्च में अल्लाह की मेहरबानी से आ गई थी, 5 मार्च से फसल की कटाई शुरू हो गई थी और आज 13 अप्रैल है, तकरीबन 75% से 80% हार्वेस्टिंग हो चुकी है और गंदम गवर्नमेंट स्टॉक करने लगी हुई है। अपने मनपसंद लोगों को, जो मिनिस्टर साहब के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको स्टॉक करवाई जा रही है। तकरीबन 2.5 करोड़ बोरी इंटीरियर सिंध में स्टॉक हो चुकी है। हमारी फसल होती है 4.5 करोड़ बोरी की, उसमें से 2 से 2.5 करोड़ बोरी इंटीरियर सिंध में एक ख़ास कम्युनिटी स्टॉक करके बैठी हुई है और कराची के लिए पाबंदी है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उसने अपनी प्रोक्योरमेंट करनी है गंदम की, जो कि 1.4 मिलियन टन का टारगेट होता है उसका, उसके शेडो में हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमारी प्रोक्योरमेंट की जो ड्राइव चल रही है तो हम पहले प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसके बाद हम अलाउ करेंगे फ्लावर मिलर्स को कि वो गंदम ख़रीदें। हालांकि ऐसा नहीं होता है, फ्लावर मिलर्स और हुकूमत एक साथ चलते हैं हमेशा से, लेकिन ये 2-3 साल से इन्होंने इतनी ख़राबी की हुई है हमारे लिए। लास्ट ईयर भी इनका 1.4 मिलियन टन का टारगेट था, जिसको ये प्रोलॉन्ग करते हुए अगस्त तक ले गए। अगस्त तक भी इनकी प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं हुई थी, इनकी ब्लैकमेलिंग शदीद शिद्दत पे थी और जिस जिसके पास गंदम होती थी, किसी मिल के पास भी गंदम अगर 5,000 बोरी पड़ी होती थी तो उसको ब्लैकमेल करते थे कि आप स्टॉकिस्ट हो, आप ये गंदम सरेंडर करो और हमें दे दो। हालांकि इनका काम होता है 15 से 20 दिन में गंदम खरीद लेना, माजी में यही चलता रहा है, 15 से 20 दिन की ड्राइव होती है गंदम खरीदने की, उसमें पंजाब भी यही काम करता है, वहाँ पे कोई ब्लैकमेलिंग, कोई रिश्वतखोरी नहीं है, लेकिन इनको हर चीज़ में हर बोरी पे रिश्वत चाहिए, जिसका रिश्वत का बाज़ार इतना गर्म हो गया है कि आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि इंटीरियर सिंध में आज गंदम का रेट 10,100 रुपये से 10,200 रुपये है और कराची में 11,800 रुपये की गंदम है। इसका जो बीच का जो डिफरेंस है वो रिश्वत में चेक पोस्टों में जा रहा है। 13 से 15 चेक पोस्टें लगी हैं इंटीरियर सिंध से कराची तक, और हर चेक पोस्ट पे पैसे लिए जा रहे हैं, 1,00,000 रुपये लिए जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, और कराची को गंदम आने नहीं दी जा रही। अब कराची की 75% मिलें ड्राई पड़ी हुई हैं, इस टाइम पर बंद हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ना गंदम है ना उनमें आटा है। 15 से 10-15 मिलें चल रही होंगी कल शाम तक, वो भी खाली हो जाएंगी। गंदम 10 दिन से कराची नहीं आ रही, चौकियाँ लगी हुई हैं सख्त तरीन, और हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि भाई आगे आने वाले जो दिन हैं, ईद के दिन हैं, मामला ख़राब हो जाएंगे, आटा नहीं मिलेगा किसी को, आटा 200 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा किसी को,
इतनी शरीर परेशानी, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रखी। इनको सिर्फ अपनी रिश्वतखोरी की पड़ी हुई है। इनको अपनी बोरियों पे जो इनको प्रोक्योरमेंट करनी है, 300 रुपये बोरी कम से कम इनको चाहिए होता तो गंदम प्रोक्योर करते हैं, वरना नहीं करते। एक इनकी जो ड्राइव बनी है बहुत पुरानी, तकरीबन 2007 से करप्शन का बाजार गर्म है। एक मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने इनको सिखा दिया कि जी फूड डिपार्टमेंट जो है ना, ये बहुत ही कमाई का ज़रिया है, आप इस पर फोकस करें। और उस वक्त से अब तक जो है ये फोकस करते हैं और हर कदम इनका बढ़ के आता है हर साल, पिछले साल से बढ़ के अब करप्शन का बाजार गर्म है। और हम कारोबारी शरीफ लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इतनी सारी मिले हैं सिंध में, हज़ारों खानदान हमसे वाबस्ता हैं रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में, और एक वाइट कॉलर लोग हैं, कारोबार करते हैं। हम ब्लैकमेलिंग में क्यों आए इनकी, हम क्यों ब्लैकमेल हो, क्यों रिश्वत दें हम इनको, इसलिए हमने स्टैंड लिया हुआ है। और अल्लाह की मेहरबानी से सब हम मुत्तहिद हैं सिंध से लेके कराची तक। अब इनका सद्देबाप करना है हमें कि रिश्वत नहीं देंगे, रिश्वत के बगैर हमने गंदम लेनी है, और उसका जो सद्देबाप आपकी मदद से होगा। और इसमें मैं चाहूँगा आप लोगों से आप इसमें हमारी हेल्प करें और इस मसले को आगे सॉर्ट आउट करवाया जाए। अच्छा आमिर भाई, आपने आज सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आप गुजरात 3-4 दिन से सारी सूरत हाल बताए नहीं जा रही है मीडिया और मीडिया चला भी रहा है, इस सारे दरमियान आपका मतलब हुकूमत के बंदों से रब्ता हुआ हो नहीं हुआ हो? क्योंकि जो हुकूमती मौकों को ये है, कोई कहते हैं कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप लोग किरानंदोजी करना चाहते हैं, जैसे आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तरीका ऐसे ही होता है एक पर दूसरा। तो जो रब्ता अगर आपका हुआ है, रबता हुआ है लेकिन सफिशेंट रबता नहीं हुआ बिल्कुल। एक वो मीटिंग हुई थी लेकिन मेरी समझ में नहीं आई थी वो मीटिंग, वो एक पुरानी रिवायती बातें हैं, उसमें मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, कल सेक्रेटरी साहब से भी, रिवायती बातें जो हम सुनते आ रहे हैं 2-3 महीनों से। हमारा मसला आपको पता है कि 2-3 महीनों से चल रहा है, आपको पहले ही बारबेक्यू में बैठे थे हम, वो मसला था मार्च से पहले का, फिर मार्च के बाद का दूसरा मसला शुरू हो गया, हम मसले में चल रहे हैं 6 महीने से। तो गैर रिवायती किस्म की बातें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ। आप जो फरमा रहे हैं कि हमें माफिया कहा जा रहा है, आप हमारी मिलें चेक करें जाके, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि रमज़ान के महीने में हम आगे धूप में धक्के खाएं? हमारी मिलें खाली पड़ी हैं, चौकियाँ देखें आप मीडिया हैं, आपकी बड़ी सोर्स है, पूरे इलाकों में कहीं सैलाब आ जाए, कहीं जल्जला आ जाए, आप पहुँचते हैं। अभी इन चौकियों के लिए ज़रा आप पहुँचें, पूरे सिंध में अपनी टीमों को एक्टिव करें, आप देखें क्या ड्रामा हो रहा है उधर, किस तरह गाड़ियों वालों को जलील किया जा रहा है, गाड़ी ड्राइवरों को उतार के मारा पीटा जाता है, उनसे रिश्वत ली जाती है, फिर कराची में गाड़ी छोड़ी जाती है। आप उनका तमाचा देखे जाके आप हैरान हो जाएंगे क्या हो रहा है। जंगल का कानून बना है हमारे मुल्क में, कोई सुनने वाला नहीं है, इस तरह से बर्ताव हो रहा है चौकियों के ऊपर कि पैसा 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 हर चीज़ मतलब उनके लिए पैसा बना हुआ है। अच्छा ये भी हुआ कि आज ये मंदिर गोदाम के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर कहना है कि जो वहाँ पर 3 लाख से ज्यादा बोरियाँ जो है अभी भी खराब पड़ी हैं, 2 लाख बोरियाँ हमने फ्लोर में उनको जबरदस्ती दे दी, हरी गांव में उन्होंने बेच दी, ऐसा भी कुछ हुआ ये क्या कि वो लेके चलेंगे उन्होंने मिक्स करके बेचा है क्या बेचा अभी इसके बारे में? बिल्कुल, उन्होंने 3 से 4 लाख बोरी यहाँ पड़ी है, बाकी टीयर सिंध में भी पड़ी, उसमें से जो गंदम उठाई है वो देख के हमने उठाई है, जो चलने के काबिल नहीं थे। आखिर में आपको पता है मार्च के महीने में गोदाम की और कराची की गंदम में क्या पोजीशन हो गई थी, गंदम बिल्कुल ड्राई हो गई थी, उसमें से भी माल निकाल के छांट के जो आटा बन सकता था आटा बनाया, बाकी माल भैंस कॉलोनी में फीड फोडर वालों को सेल किया हमने नुकसान करके, क्योंकि काम चलाना होता है, जब काम चलाना होता है कुछ भी करना पड़ता है। अभी भी गंदम उनकी पड़ी है और वो उनकी बदनीयती की वजह से सारी गंदम खराब हुई है। पिछले साल जो उन्होंने प्रोक्योरमेंट की ड्राइव को प्रोलॉन्ग किया है ना, उसकी वजह से कराची माल नहीं आने दिया, तो 10 लाख बोरी कम से कम उन्होंने ज़ाया की है। अगर वो गंदम आज कराची में होती तो हमारे मुल्क की मतलब ये पैदावार है, हमारी मतलब एक ख़जाना एक देखा जाए तो, उसको बर्बाद किया उन्होंने अपनी हठधर्मी की वजह से। कराची गंदम आती तो ये हमारे पास सेव होती, ये भी ख़राब ना होती। जब बारिशें पड़ गई तो उनकी पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, फिर सेक्रेटरी साहब के वॉइस मैसेज थे सब चौकियाँ ख़त्म करो, कोई गाड़ी ना रोको, इनकी हवा निकली हुई थी, इन्होंने जानबूझ के 10 लाख बोरियाँ ख़राब की हैं अपने मफादात के लिए, वरना कराची में गंदम होती सेब होती पड़ी होती तो ये हमारा जरे मतलब हमारा खजाना ज़ाया नहीं होता हमारा मतलब। आपने जो अभी ये बताया एक नेक नाम किसी वजीर का तस्करा किया, लेकिन उनका नाम लेने से आपने प्रेस किया कि वो कौन से वजीर थे जिन्होंने महकमा खुराक के तमाम अफसरान को जो है वो रिश्वत की राह पर लगा दिया? नादिर बख्शी साहब थे सर, ये आप सब जानते हैं इस बातों को, उस वक्त भी हम लोग आपके जी नादिर बख्शी साहब के टाइम पे इनको ये पता लगा कि फूड डिपार्टमेंट को खजाना है, यहाँ पे खजाने दफा नहीं, यहाँ पे भी इनको निकालो, इनको एक्सप्लोर करो इनको। सर पिछले जो सीजन है उसमें कमिश्नर कराची
नेकलेस जारी की और उसके अंदर फाइन आटा मिसिंग था और उस दौरान में छोटी चक्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होता रहा, लेकिन आपका आटा जो फाइन आटा है वो 150 रुपये का मिल रहा था। सवाल मेरा यह है कि पिछले साल की सपोर्ट प्राइस 55 रुपये थी, उस वक्त आपने 150 में आटा बेचा है, इस साल जो सपोर्ट प्राइस ही 100 रुपये है, तो आपका इरादा यानी ये बात वो आपकी तरफ जाती है। उस आपने जब आपकी मुकेश चावला साहब के साथ जब किया है तो 95 रुपये में आपने कहा कि आप आटा देंगे और उसके फौरन बाद जो लिस्ट बनती है उसके अंदर फाइन आटा मिसिंग है और आप 58 की गंदों गालिबन आपने ली है और 150 की आप बेच रहे थे। तो ये तो ऐसा लगता है कि ये आप लोगों की मेरी भगत है। देखें 58 रुपये की गंदों हमने खरीदी है तो उस पर एक्सपेंस भी आते हैं, पूरा साल पड़ी रहती है, 200 से 250 रुपये बोरी हर महीने का एक्सपेंस होता है, वो एक लिमिटेड होती है। तकरीबन 100 रुपये आप कह रहे हैं कन्वर्जन, हमारी जो गंदम है हमें मिलती है 10-25% मिलती है गवर्नमेंट से कोटे की शक्ल में, बाकी 75% गंदम हमें आगे लेनी पड़ती है मार्केट से, ओपन मार्केट का अलग रेट होता है, उसका रेट पिछले साल आपको पता है कि 12,500 रुपये तक चला गया था, फिर नीचे आया था, इसलिए आटा 150 रुपये किलो पर चला गया था, 125 रुपये। लेकिन मैं तो 58 की बात कर रहा हूँ, आपने ये उनके साथ मुआयदा किया, हाजी साहब भी बैठे थे, उन्होंने किया है राजभर, वही आके फिर उन्होंने समझाया मुकेश चावला साहब के साथ 58 की गंदम लेंगे, 95 का आटा बेचेंगे, 85 की गंदम लेंगे और 95 का आटा बेचेंगे। 85 उसके बाद हुई है, उसके कुछ दिनों के बाद हुई है वो बात, उस वक्त 58 की गंदम खत्म हो चुकी थी जब 85 की गंदम आ गई थी। बिल्कुल जिनके पास 25% के पास माल बाकी है तो कराची में जो बिल्कुल यानी आटा नापैद हो जाएगा, आज से आप हड़ताल भी कर देते हो, गंदम की सप्लाई नहीं आती तो कराची मुकम्मल तौर पर आपको ड्राई किस तरह लगता है? एक तो डराने वाला ड्राई है, वाकई कराची में गंदम नहीं होती वो सूरत आप देख लें कि 128 रुपये किलो आटे का रेट था हमारा, जो भी एक दो दिन से मिले बंद होती शुरू होगी ना, कल तक भी हमारा मिलों का रेट 128 रुपये है, आज आपको आटा मार्केट में क्या मिल रहा है 150 रुपये किलो से ऊपर मिल रहा है, 128 जी 2.5 नंबर का रेट है, 2.5 नंबर ही फाइन को आप रहने, वो एक अलग वरायटी होती है, उसका रेट 130 रुपये है, 129-30 रुपये इसका रेट, ढाई नंबर यूज होता है जिसको आप आटा बोलते हैं ना, फाइन आपके तंदूरों पर यूज होता है, वो एक अलग चीज़ है। अभी आपको आटा क्या रेट में मिल रहा है मार्केट में अगर किसी ने पूछा हो तो 150 रुपये से ऊपर मिल रहा होगा जी, नहीं नहीं एक दिन में नहीं है, 10 दिन से बढ़ा हुआ है रेट, 10 दिन से रेट बढ़ा हुआ है, अब जब हम बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ 200 रुपये पे जाएंगे, कहाँ जाएँ मुझे पता नहीं है। मार्केट बढ़वाना नहीं चाह रहे हैं, हम गंदम इशू कराना चाह रहे हैं, गंदम का रेट बताया मैंने सिंध में 10,100 रुपये का, 10,100 रुपये का अगर सारी चौकियाँ हट जाएंगी तो 10,100 प्लस एक्सपेंस लगा के 10,400-500 में गंदम ही आ जाएगी और आटे का रेट भी आपका जो है स्टेबल हो जाएगा, 110-115 के अंदर आ जाएगा। उनके जानशीन आ गए ना मुकेश कुमार चावला साहब सर आ गए, उनके सर वो बैठे हुए ना, वो बैठे हुए ना, उनके जानशीनों बैठे हुए ना, वही काम अब चल रहा है ना सर, तो मुकेश कुमार चावला जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही काम हो रहा है और क्या हो रहा है, बिल्कुल वही काम हो रहा है, मुकेश कुमार चावला साहब उनकी पूरी टीम है, क्यों गंदम नहीं आने दी जा रही कराची में सर, क्या मसला है? अब देखे पैसा है और कुछ भी नहीं, पैसे के अलावा देखे गाड़ी वाले तो 3-3 लाख रुपए बोरी के दे के आ रहे हैं, मैंने आपको गंदों का रेट बताया ना 10,100, पीछे गंदों के व्यापारी भी बैठे हैं उनको भी बुलाया हुआ हमने, वो भी आपको थोड़ा बताएंगे कि क्या हालात चल रहा है, 10,100 की गंदों इंटीरियर सिंध में, 11,800 की गंदों कराची में, उसका बीच का डिफरेंस लगा लें आप 1400-1500 रुपये बोरी, उसमें से सारी रिश्वत जा रही है, आज गंदों की चौकियाँ हट जाएँ कल गंदों कराची में 10,400 रुपये पहुँच जाएगी, सारे सुखी हो जाएंगे अगर रिश्वत सतानी ना हो तो। सर 12 से 15 चौकियाँ होंगी, हर जिले में चौकी लगी है, हर DFC वहाँ का बादशाह बन के बैठा हुआ है, जिसकी गंदम उनको नजर आती है पकड़ लेते हैं जी प्रोक्योरमेंट ड्राइव में, मेरी गंदम जाती गाड़ियाँ मेरी पकड़ ली थी उन्होंने, और मिल वाले मेरे भाई बैठे हैं मेहरान वाले और दूसरी मिल वाले, उनकी गाड़ियाँ कराची से ले गए थे वो,
कि जी गंदम गलत तरीके से आई है तो हम इनको ले जाएंगे अपने लांडी गोदाम में, वहाँ जाकर उन्होंने गंदम उतारी है। उससे पहले 10 दिन पहले व्यापारियों की 15 से 20 गाड़ियाँ ले गए, फिर 25 गाड़ियाँ ले गए, इनका कोई बस नहीं चल रहा, जो गाड़ी रोड पर नजर आती उठाते हैं अपने गोदाम में ले जाते हैं कि जी प्रोक्योरमेंट की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्यों ला रहे हो गंदम, करोड़ों रुपये इस तरह फंसे हुए व्यापारियों के गोदाम में। मुतालबा जो है ना, वजीर आला साहब बैठे हुए हैं, उनको सब चीजों का इल्म है, इनको 10 सफा में लेटर लिखे हुए हैं, मैं हटाने का मुतालबा करूँ या ना करूँ वो भी बाखबर है हर चीज से, उनको खबर होनी चाहिए उनका डिपार्टमेंट है उनको क्या करना है। मैं कहता हूँ काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, कोई भी करे, हटाने का मुतालबा नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ हटाते तो उनकी मर्जी, हटाए वो, काम अच्छा चाहिए हमें। वजीर आला किस लिए बैठे हुए सूबे के, चीफ सेक्रेटरी किस लिए बैठे हुए यहाँ पे? आप भी तो मजाक करते हैं, एक दिन खबर आती है कि आपने ये बयान आपका आता है कि ये हमारे पर मेरे को से जाते हो, देखें उसके बाद दूसरे दिन मजाक करते सर, हम हम कारोबारी लोग हैं, व्हाइट कॉलर लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, कारोबारी आदमी झगड़ता नहीं है कभी भी, बात सुन के आता है शरीफों वाले तरीके से और उस पर इम्प्लीमेंट करने का वक्त देता है, अगले बंदे को भी खुद भी कोशिश करता है, थोड़ा सा तहम्मुल रखता है। हम तहम्मुल से ही बैठे थे इतने अरसे में, एक तरह से लॉलीपॉप दे रहे थे हमें ये, ठीक है, दो चार गुजरे बिल्कुल, इन्होंने लॉलीपॉप दिए, जो भी किया सत्यानाश कर दिया इन्होंने सारे सिस्टम का, और करप्ट लोग करीब करीब करके सत्यानाश कर दिए पूरे हिसाब किताब को इन्होंने बना दिया। जी मे भी सिस्टम होगा और यही होगा, कहाँ जा रहा है वो पैसा, चौकियों का पैसा कहीं जा रहा होगा ना सर। जी जी सर वो भी बंद होने वाली है, एक दो दिन में आपको नजर आ जाएगा, बाजार तो मैं बता रहा हूँ ना 20-25% मिले चल रही थी, ग्रेजुअली मिलोगी परसेंटेज आ गया, आज मेरा ख्याल 70 के करीब मिले, बंद 92 मिले हैं कराची में, 70 के मिले बंद होगी कल शाम तक और बंद होगी खत्म हो जाएगी कहानी, जो 70 मिले बंद है ड्राई पड़ी ना गंदों में ना आटे में, काम तो चल ही रहा था ना, ग्रेजुअली बंद होने वाला है। भाई साहब आप कुछ कहेंगे? सर अभी देखें जी, जब आटा यहाँ पे महंगा होगा हर चीज़ पे उसका असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो हम कराची एक शहर, ये भी पाकिस्तान का शहर है, सिंध भी पाकिस्तान का है, एक सूबे में मुफ्त आटा दिया जा रहा है 65 अरब रुपया और कुछ लाशें दी जा रही हैं, ठीक है, और एक सूबे में गंदम नायाब है, गंदम सूबे में होने के बावजूद, नई फसल आने के बावजूद, बगैर सब्सिडी के, जो कि हम गंदम खरीद के आवाम को सस्ता आटा दे सकें, वो भी इस हुकूमत ने, जो भी हुकूमत है चाहे वज़ीर आज़म है वज़ीर आला मिनिस्टर है, वो इस आवाम से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि वो 10 से 15 रुपए किलो आटा महंगा खाए? मुझे तो इस बात की आज तक समझ नहीं आई, क्या इसमें सब्सिडी दे रहे हैं हमें? एक ज़िम्मेदार उसको उसकी प्राइस मिलनी चाहिए, किस लिए आती है गवर्नमेंट खरीदारी के लिए, जब ज़िम्मेदार को प्राइस उसकी सही मुनासिब ना मिले, गवर्नमेंट का काम है इंटरफेरेंस करना और ज़िम्मेदार से गंदम खरीदना, जब ऑलरेडी ज़िम्मेदार को प्राइस उसकी मिल रही है तो गवर्नमेंट को गंदम खरीदारी, गंदम अगर शार्टफॉल है इम्पोर्ट करनी चाहिए। आज बदकिस्मती है इस मुल्क की, बदकिस्मती है सिंध की, बदकिस्मती है कराची की, 5 लाख टन गंदम कराची शहर में पड़ी है, हमें इशू नहीं की जा रही, क्यों? क्या हम दुश्मन हैं इस मुल्क के? अवाम को क्या कह रहे हैं, इस अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं? आज इस शहर में 5 लाख टन गंदम पड़ी है, हमारी रिक्वेस्ट है जी, सरकारी गोदामों में पड़ी है, पास्को की पड़ी है, हमारी रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से, वजीर आजम, वजीर आला और मिनिस्टर फूड से, यहां पे अगर गंदम पड़ी है उसको किराया दे के कैरेज 500 रुपया पर बैग उसको शिफ्ट किया जा रहा है पंजाब में, जो कि सूबा 76% वहां प्रोडक्शन होती है, वहां शिफ्ट किया जा रहा है, जो सूबा भूखा मर रहा है, गंदम आज मिल नहीं रही,
वो कराची के गोदामों में पड़ी है। मुझे तो अफसोस होता है ये बात करने पे कि सामने रोटी पड़ी है, खाने नहीं देनी। किसने नहीं देनी? गवर्नमेंट ने नहीं खाने देनी। क्यों? ये आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी जंग नहीं है, हम साबे सैयद हैं, लेकिन इस आवाम की जंग लड़ना हमारा फर्ज भी है, हमारा हक भी है। मैं इस बात को आप लोगों के जरिए कहता हूँ, 5 लाख टन जो गंदम पड़ी है विद इन नो टाइम, मैं वजीर आला वजीर आजम साहब को हम 4 लेटर लिख चुके हैं कि खुदारा ये आवाम यहाँ बिलक रही है, 150 रुपया किलो आटा खा रही है, ये यहाँ पे जो गंदम पड़ी है हमें इशू कर दी जाए। लिबरल, उस पर भी कोई टैक्स ना लगा दिया जाए। टैक्स का मतलब समझते हैं आप? वो टैक्स हमने नहीं देना, इस गरीब आवाम ने देना। हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दें और ये हमारा पैगाम ऊपर तक पहुँचाएं। और ये जो गंदम अंदरूने सिंध से आज नई फसल आ रही है, उस जमींदार को उसकी कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से उसको कीमत नहीं मिल रही। और यहाँ पे पाबंदी पूरे सिंध में लगा रखी है कि फ्लोर मिलों पे नहीं गंदम देने जा रही। अगर गंदम गवर्नमेंट खरीदती है, किस लिए खरीदती है? खराब करने के लिए खरीदती है। आज हम आपको बता रहे हैं, जाके देख लें लांडी गोदामों में, 10 लाख बोरी उन्होंने खराब कर दी। कितने की है? खुदा के लिए अल्लाह को जान देनी है, कुछ खुदा खौफी करे इस पाकिस्तान पे, सूबा सिंध पे। तो ये आपकी मेहरबानी, ये हमारी आवाज़ ऊपर तक आपका काम है पहुँचाना। और फ्लोर मिल इंडस्ट्री आवाम एक ही जगह पे हैं, हम इस आवाम की खातिर जंग ये लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो हड़ताल करेंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम कभी एक कदम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। सर ये बताएं, आप आवाम की कैसी जंग लड़ रहे हैं? ये आप ये कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे, ये जो दुकानदार है ये आटा छुपा लेंगे तो 200 से ऊपर जाएगा। यही हम हुकूमत से डील नहीं चल रही तो आप आवाम को वो कर रहे हैं परेशान। देखें जी, आप मेरे दोस्त हैं, आप हम हड़ताल नहीं कर रहे, ऐसे है, हड़ताल करवाई जा रही है। जब 20 चेक पोस्टें या 10 या 15 होंगी, गंदम कराची में नहीं आने देनी। हमें हड़ताल करने की क्या ज़रूरत है? हड़ताल तो हो गई है, मिलें खाली हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से, किसी मिलों पे चले जाएं, अगर मिलों पे गंदम है तो हम कसूरवार हैं। मिलें बंद पड़ी हमारी, और 2-4 दिन में 2-4-10 मिलें होंगी, वो भी बंद हो जाएंगी। इसलिए हम आगाह कर रहे हैं आप लोगों को कि हमारी आवाज़ आप लोगों का काम है ऊपर तक लेके जाना। ये आवाम के साथ दुश्मनी है, हम कर रहे हैं, हमें भी पकड़ा जाना चाहिए, हम आपके सामने जवाब दे हैं। लेकिन एक्चुअली ये सूरत हाल है, अंदरूने सिंध में गंदम 10,100 है, यहाँ पे 11,800 से लेके 12,000 है। वो गैप कहाँ है? वो कहाँ जा रहा है? वो पब्लिक पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन चंद बंदों की जेब में जा रहा है। इसका हम सद्देबाब करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन है, वडेरे हैं सिंध के, जो आगे हमें जाके गंदम ब्लैक करेंगे नवंबर दिसंबर में। जी हाँ, फ्री सर, चौकियाँ खत्म होनी चाहिए, फ्री गंदम कराची आनी चाहिए, पूरे सिंध की मिलों को उनकी रिक्वायरमेंट की गंदम मिलनी चाहिए। और स्टॉकिस्ट को इनको कंडेम करें, लेकिन हमको स्टॉकिस्ट नहीं, हम आटा गंदम लेके मिलों आटा देना है शहरों को, आवाम को आटा देना है। हमें परमिट का झांसा दिया जा रहा है। परमिट क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा पकड़ाएंगे हमें कि हर गाड़ी वाले को आप ये प्रोवाइड करो, वो देखते हैं देखते कराची गाड़ी पहुंच जाएगी, लेकिन हर चेक पोस्ट पे ब्लैक कलिंग होगी उससे। परमिट का हर चेक पोस्ट पे वो देखेंगे, कहेंगे कि परमिट जाली है, साइन सही नहीं है, फलाना है, ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए जाएंगे। परमिट वाली कोई कहानी नहीं है, ओपन है, पूरा पाकिस्तान ओपन है, आवाम की फसल है, जमींदारों ने उगाई है, सबके लिए है, सबका हक है, इस पर क्यों परमिट लेंगे उनसे? इस दफा आपने देखा होगा 650 वाला आटा पूरे कराची में, गाड़ियां बाजारों में, दुकानों पे गाड़ियां, क्यों नहीं मिला? उसका मैंने आपको अर्ज किया ना, 25% सिर्फ, 20 से 25% क्वांटिटी मिलती है उसकी, हमारी जो उससे 75% तो हमने ओपन मार्केट से लेनी होती है, 20 से 25% क्वांटिटी मिलेगी आपकी प्रोडक्शन की, तो कहाँ नजर आएगी आपको? ये बात की है ना, ऐसे मौके पे तो आप आके देख सकते हैं, जब ऐसी ड्राइव चले तो आप आए हमारे पास, 200 ट्रक डेली पूरे कराची में खड़े होते थे इस तरह, लेकिन 25% रिक्वायरमेंट सिर्फ हमारी, बाकी 75% ओपन मार्केट से लेके पूरी करते थे, इसलिए आपको नजर नहीं आता था।
ऐसी ड्राइव दोबारा चले तो आप हाजिर, आप हम हाजिर हैं, आप आए देखें जैसे हम प्रोवाइड करते हैं। अफगानिस्तान में 200-220 का रेट चल रहा है और वही रेट कहा जा रहा है कि आप लोग पहुंचाना चाहते हैं, इसी वजह से हमें कर्जों का बांधा बांधा, हालांकि ये पैसे आप यहाँ बलूचिस्तान के साइड पर भेज देते सर। 200-220 पहुँचाना होता तो हम यहाँ क्यों बैठे थे आगे, हम कर लेते उनसे अनबन कर लेते जो करनी होती है, हमने उनसे मतलब सेटिंग कर लेते पहुँचा देते, ऐसा कोई काम नहीं और ऐसे काम में कारोबार लोग जाते भी नहीं है। हमारा हलाल का रिजक है उसको हम हराम नहीं करना चाहते किसी सूरत में भी ऐसे लोगों के शिकंजों में आके, ये बिल्कुल गलत प्रोसेप्शन है, इसको और जेल से निकाल दें। बिल्कुल नहीं जाएगा, रेट कम होगा सर, दोनों का रेट कम हो जाएगा, 120 रुपए किलो आटा हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। आज जो 160 में ले रहे हैं और आगे पता नहीं 200 में ले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 120 हो जाएगा सर। सर सर हमें पता है ना कि वो करप्शन का एक गढ़ है, करप्शन का एक नया रास्ता है, क्या परमिट की जरूरत है हमें? हम एक उनको जब बात बताते हैं कि भाई हम स्टॉक नहीं करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट का माल लेंगे, हमारी मिले हैं, हमारे गोदाम में नजर आते हैं, इसलिए आप भी जाके देख लो कि हमारे पास कितनी गन्नू पड़ी है, आपको पता लग जाएगा कि 5,000 हो रही है कि 20,000 हो रही है। हम एक उनको बात बता रहे हैं कि भाई हम गन्नू स्टॉक नहीं करेंगे, हमें चलाने का माल दे दो आप और अपने आप प्रोक्योरमेंट करते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। भाई जान मैं अर्ज करूँ, हम तो मजबूर हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों के, जिन्होंने लास्ट जो मीटिंग हमारी फूड डिपार्टमेंट से हुई थी इस बुनियाद पे हुई थी कि फ्लोर मिल वालों को भी आटा चाहिए, कराची को भी आटा चाहिए, गंदम चाहिए, उनसे आटा खाएगी कराची की आवाम। तो फ्लोर मिल वालों ने और हमने मिल के फूड डिपार्टमेंट से ये तय किया था कि आप अपना टारगेट अचीव करें, हमारा उसमें कोई हमारा अमल दखल नहीं होगा। इस बुनियाद पर उन्होंने ये तय किया था 60-40 पे, 60% आप बिल लेंगे, 40% हम कराची को गंदम देंगे, सप्लाई आप करें, इजीली कोई चेक पोस्ट नहीं होगी। लेकिन वो अपनी बातों पे नहीं हुए, इसके बुनियाद पे अभी जो ये रेट का जो डिफरेंस है मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, वहाँ बिल्कुल इंटीरियर में 10,000 से 10,200-300 तक मार्केट चल रही है, ये बीच का जो सारा खर्चा है ना, ये चेक पोस्टें जो बनी हुई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं है, सेंट्रल वाइज है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 4,000-5,000 चेक पोस्टें हैं, हर चेक पोस्ट गाड़ी रुकती है, 500 रुपया खर्चा लेते हैं बोरी के, एक बोरी का 500 रुपया, 400 बोरी की गाड़ी होती है, 2-2 लाख रुपया चेक पोस्ट पे ले लेते हैं, ये 1,000 से 1,200 रुपया जो बीच का दरमियान है ना, ये सारा फूड डिपार्टमेंट वालों की तरफ से जो बंदे बैठाए हुए उनके जेब में जाता है, वो असर कराची की आवाम पे पड़ता है, जो कराची में आटा जो महंगा हुआ है सिर्फ इसकी वजह से महंगा हुआ। अभी भी ये कहता हूँ, अगर इजीली गंदम सप्लाई करें, फूड डिपार्टमेंट रास्ते में चेक पोस्ट से खत्म कर दें, ये गंदम इधर कराची में 10,500 से 11,000 के अंदर अंदर इजीली मिलेगी, ये 1,000-1,200 जगह जो डिफरेंस है ना सिर्फ चेक पोस्टों की वजह से। तकरीबन मेरे 100 के करीब गाड़ियां जो है ना पकड़ के चेक पोस्ट से लांडी गोदाम पे उतरा दिए, अभी व्यापारी 10,200-300 में लेता है, वहां से 300-400 बोरी किराया देता है, 600-800 में पड़ती है, अभी हमें बिल मिलेगा 10,000 का, वो भी पता नहीं कभी मिलेगा, आज के बाद तो मिले ना मिले ये उसके समझो नाक में दम रख दिया हमने, अभी ये नहीं देंगे, ये बिल भी लेके रख लिए उन्होंने, यही हम कहते हैं मेहरबानी खुदारा गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, आप इजीली गंदम कराची को सप्लाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है कि रेट गिर जाए, 100% रेट गिरेगा अगर ये चेक पोस्ट खत्म हो जाएगा। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।